नमस्कार, भारतीय खाना चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज तीन तरह की चटनी बनाएंगे। हमने पहले पार्ट में चार तरह की चटनी बनाई थी, आज हम बना रहे हैं मूंगफली और चने की दाल की चटनी। हमें चने की दाल के लिए भीगी हुई चने की दाल एक कटोरी, थोड़ी सी हमने भुनी हुई मूंगफली ली है, राई ली है, हरी मिर्ची ली है, नमक और कड़ी पत्ता। अब इसको हम बनाएंगे। हमने चने की दाल डाली, मूंगफली डाली और आप टेस्ट अनुसार मिर्ची डाल सकते हैं अपने और नमक डाल, और इसको हम ग्राइंड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं और दोबारा इसको पीस सकते हैं। ये हमारी पीसकर तैयार हो गई है। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, हमने थोड़ा तेल लिया। अब थोड़ी सी हम राई डालेंगे इसमें और कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता और राई डालकर इसको फ्राई कर लिया है। और इसमें हम नींबू डालेंगे। जितना आप खटाई पसंद है उतनी आप डालें और इसको मिला देंगे। आप इसको इडली डोसे के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड में लगाकर भी खा सकते हैं, जैसा आप चाहें। ये हमारी एक चटनी तैयार हो गई है। अब हम लाल मिर्ची की चटनी बनाएंगे। लाल मिर्ची इसमें हम डालेंगे, जितना आप पसंद करें उतना आप डालें। हरा धनिया हमें सूखा ज़्यादा डालना है, साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, पिसा भी डाल सकते हैं। ये हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है मिर्ची से। जीरा कच्चा, टेस्ट अनुसार नमक डालें और लहसुन डालें और दही डालें। अब इसको हमको ग्राइंड करनी है। ये हमारी दूसरी चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे, रिफाइंड तेल में। अब इसको हमें तेल में फ्राई करनी है। ये हमारी चटनी तैयार हो गई है और तेल छोड़ दिया है। अब इसको हम गैस को बंद करेंगे और सर्व करेंगे निकाल कर। ये हमारी लाल मिर्ची की चटनी है। हम मीठी चटनी बनाएंगे। हमने गुनगुने पानी में 5 मिनट तक ये इमली को भिगोया है और भिगोकर इसको हमें थोड़ा मसल के इसका रस निकालना है। तो हमने इमली ली 100 ग्राम, नमक लिया काला, लाल मिर्ची, सौंठ, किशमिश और सौंफ और खजूर कटे हुए, नमक और शक्कर। सबसे पहले हम इसको
इस तरह से इसका पूरा गुद्दे को इस तरह से किया और इसको मोटी चलनी से छानना है। अब इसको हम छानेंगे। और इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर उसको इमली का पूरा रस हम निकाल लेंगे। ताकि इसकी गुठलियां अंदर ना जाए और रेशे ना जाएं। अब ये बॉयल हो गया है, इसमें हम नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें नमक, काला नमक डालें थोड़ा। थोड़ी सी हमें लाल मिर्ची डालनी है, थोड़ा सौंठ डालना है हमें। सौंफ डालनी है हमें, और कटे हुए खजूर डालने हैं और किशमिश डालनी है। अब ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, अब इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा अच्छा लगता है तो आप थोड़ा और चीनी डाल सकते हैं। थोड़ी देर हम चीनी को गलने देंगे। ये हमारी तैयार हो गई है, इस गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये ठंडी होगी तब हम इसको सर्व करेंगे। अभी हमारी मीठी चटनी के अंदर हम सिका हुआ जीरा डाल ले रहे हैं पीस कर। ये हमारी इमली की चटनी तैयार हो गई है। ये हमारी तीन प्रकार की चटनियां हैं, लाल मिर्ची की और चने की दाल, मूंगफली की और इमली की मीठी चटनी। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।